मुरादाबाद में दिनांक 9/4/2020 को 22 कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों की रिपोर्ट जांच के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भेजी गई थी, जिसमें एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जो कि गोविंद नगर की निवासी है। आपको बता दें, दो कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों को 9 तारीख को TMU में क्वारंटाइन किया गया था, जिसमें महिला शीला वर्मा और पुत्र सौरभ वर्मा उम्र लगभग 50 वर्ष, जिसका नाम उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद मौके पर थाना कटघर पुलिस ने पहुंचकर घर वालों से पूछताछ शुरू कर दी और साथ ही सभी को दिशा निर्देश दिए कि आसपास के लोगों से बोलचाल ना करें, साथ ही उनके परिवार वालों को भी दूर रहने की सलाह दी है। मुरादाबाद में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। अब मुरादाबाद में कोरोना के मरीजों की संख्या 31 हो गई है और उत्तर प्रदेश में लगभग 700 के पार पहुँच चुका है। पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है, क्या कितने पेशेंट है उसमें? आज जो 22 की रिपोर्ट आई उसमें एक कोरोना पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है। एक महिला है वो गोविंद नगर साइट की, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और महिला है ये, क्या किसी पद से रिटायर्ड है ये हॉस्पिटल के? अभी वो चीज़ वेरीफाई नहीं हो पाई है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये स्वास्थ्य विभाग से रिटायर्ड है, हम दिखवा रहे हैं ये कब रिटायर्ड हुए, किस पद से। सर क्या ये पता लग पाया है किसके टच में आके इन्हें? अभी इस बात की जांच की जा रही है कि ये किसके टच में आई जो इन्हें कोरोना कॉन्टेक्ट हुआ। सर मुरादाबाद में अब तक कितने कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? अब तक मुरादाबाद में 33 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक लड़की डिस्चार्ज होकर घर जा चुकी है और एक TMU में डेथ भी हुई थी कोरोना पॉजिटिव मरीज। ये 32 जो 33 जो है, 33 में से दो अलग करके 31 इस समय हैं। हाँ ठीक सर।